बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, काइंडली टेक आउट योर बुक्स एंड कम टू पेज नंबर 46, यूनिट 10, लैंग्वेज। एज़ यू नो दैट वी आर डन विद लैंग्वेज ए, दैट इज़ एक्सरसाइज ए ऑन पेज 46। इट वाज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय फिलिंग इन द मिसिंग वर्ड्स, एंड टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज बी ऑन पेज 46। एज़ यू कैन सी, राइट थ्री सेंटेंसेज अबाउट द स्टोरी। ओके, अब आप देख सकते हैं बुक में आपको ये पिक्चर दी गई है और यहाँ बॉक्स में आपको क्या दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं। इस पिक्चर को देख के आपने थ्री सेंटेंसेस अबाउट द स्टोरी लिखने हैं और उन थ्री सेंटेंसेस में ये जो बॉक्स में दिए गए वर्ड्स हैं इनको यूज़ करना है। अगर सारे वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं तो कुछ वर्ड्स इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, बट वी हैव टू राइट थ्री सेंटेंसेज अबाउट द स्टोरी। नाउ लुक एट द पिक्चर। पिक्चर में आपको काउ नज़र आ रही है, उसके ऊपर बैक के ऊपर एक चिकन है, वो जो मुर्गी है वो बैठी हुई है। फार्मर जो है वो एक ट्रैक्टर चला रहा है। ओके, देयर इज़ अ डॉग ऑल्सो रनिंग, बर्ड्स भी बैठे हुए हैं। ओके, सो इस पिक्चर के बारे में और राइट हमने थ्री सेंटेंसेस लिखने हैं। यहाँ पे ये जगह दी गई है। ओके, और इस पिक्चर को पहले समझ ले। ओके, और अपने साथ रफ नोटबुक में पहले ये क्वेश्चन लिख ले, राइट थ्री सेंटेंसेस अबाउट द स्टोरी। उसके बाद हम 1, 2 एंड 3 इस तरह करके थ्री सेंटेंसेस लिखेंगे। ऑलराइट, बट फर्स्ट लुक एट द पिक्चर एंड अंडरस्टैंड दिस, देन टेक आउट योर रफ कॉपीज और हम उसके अंदर रफ कॉपी में वो थ्री सेंटेंसेस लिखेंगे। ऑलराइट, ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द पेज दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। इट्स टॉपिक लैंग्वेज बी, पेज 46। ओके, पेज 46 पे जो लैंग्वेज टॉपिक है उसमें एक्सरसाइज बी है। आपने पिक्चर देख ली है और राइट उसके बारे में हमने थ्री सेंटेंसेस लिखने हैं। सो योर क्वेश्चन इज, स्टार्ट राइटिंग। योर क्वेश्चन इज, राइट थ्री सेंटेंसेस अबाउट द स्टोरी। स्टोरी या कहानी के बारे में तीन जुमले लिख के। ओके, राइट थ्री सेंटेंसेस अबाउट द स्टोरी। नाउ योर फर्स्ट सेंटेंस इज, द फार्मर इज ड्राइविंग द ट्रैक्टर। द फार्मर इज ड्राइविंग द ट्रैक्टर। टी एच ई द फार्मर, एफ ए आर एम ई आर, फार्मर इज ड्राइविंग, डी आर आई वी आई एन जी, ड्राइविंग द, टी एच ई द ट्रैक्टर, टी आर ए सी टी ओ आर, ट्रैक्टर। The farmer is driving the tractor. This is the first sentence about the story. Now the second one is, a cow is grassing in the fields. एक गाय जो है वो खेतों में चर रही है, घास खा रही है। A cow is grassing in the fields. A cow, C O W, cow is grassing, G R A double S I N G, grassing. In the, I N N the, T H E the, fields, F I E L D S, fields. A cow is grassing in the fields. And the third one is, the third sentence is, chicken is sitting on the back of the cow. Chicken is sitting on the back of the cow. C H I C K E N, chicken. C H I C K E N, chicken is sitting, S I double T I N G, sitting on, O N on the, T H E the, back, B A C K, back of, O F of the, T H E the, cow, C O W cow. So chicken is sitting on the back of the cow. These are our three sentences about the story. I'll repeat it for you. The farmer is driving the tractor. A cow is grassing in the fields. And chicken is sitting on the back of the cow. Okay, now come to exercise C on page 46. Okay, after doing exercise B, we will be moving forward to exercise C on page 46. And the question for you is, राइट द सेंटेंसेस करेक्टली। ओके, सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमने उन सेंटेंसेस को करेक्ट करके लिखना है। इनकरेक्ट किस तरह से है कि वर्ड्स आगे पीछे दिए हैं, सो उन वर्ड्स को ऑर्डर में करके कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। योर क्वेश्चन फॉर एक्सरसाइज सी इज,
राइट द सेंटेंसेस करेक्टली. ओके, द फर्स्ट सेंटेंस इज गॉट द आई मीट शॉप इन द. गॉट द आई मीट शॉप इन द. देर इज अ फुल स्टॉप आफ्टर शॉप एंड देर इज नो फुल स्टॉप आफ्टर द. ओके, गॉट द आई मीट शॉप इन द. सो द करेक्ट फॉर्म वुड बी आई गॉट, जी ओ टी गॉट, I got meat, 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 meat यानी गोश्त. I got meat in the shop. There is also the, okay? I got the meat in the shop because the का जो word है वो two times है. So I got the, okay? Sorry for missing this. I got the meat in the INNTHE the in the shop, SHOP shop. I got the meat in the shop. मैंने गोश्त कहाँ से लिया? दुकान से, शॉप से. ओके, इट मीन्स दिस. सो ये वाला जो सेंटेंस है इसको हमने ऑर्डर में करके इससे करेक्ट सेंटेंस बना लिया. I got the meat in the shop. Look at the second one. It is you money. There is a question mark. Got, have, some. Okay. You, money. Question mark. Got, have, some. अब आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में जो हैव है उसका जो एच है वो कैपिटल है. ओके, सो जब हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे सो फर्स्ट जो भी अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल होगा. इट मीन्स हमारा सेंटेंस किस चीज़ से स्टार्ट हो रहा है? हैव से. एंड इट्स ऑल्सो क्वेश्चन, क्योंकि आप फुल स्टॉप नहीं देख रहे हैं, क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं. ओके, सो हैव यू गॉट सम मनी. ओके, करेक्ट सेंटेंस वुड बी लाइक दिस. हैव, एच ए वी ई हैव, यू वाई ओ यू, गॉट जी ओ टी गॉट, हैव यू गॉट सम, एस ओ एम ई सम, हैव यू गॉट सम money, money, money. Okay, कि आपके पास कुछ पैसे हैं. It means this. Have you got some money? Have you got some money? Look at the third sentence. It is bag. Bag के बाद क्या है? Full stop है. Okay, bag, give, please, my, me, own. Bag, फुल स्टॉप, गिव, प्लीज, माई, मी, ओन. ओके, अब यहाँ पे देखिए प्लीज का पी क्या है? कैपिटल है. सो इट मीन्स आवर सेंटेंस विल स्टार्ट विद पी एंड देर विल बी अ फुल स्टॉप आफ्टर बैग. सो हमारा सेंटेंस बैग पे एंड होगा. ओके, ओके, सेंटेंस इज प्लीज, पी एल ई ए एस ई, प्लीज गिव मी, G I V E give, me, M E me, my, M Y my, own, O W N own, bag. Okay, and a full stop. Please give me my own bag. के बराए मेहरबानी मुझे मेरा bag दीजिए. Okay, please give me my own bag. Please give me my own bag. Okay, the fourth sentence is no, I today, a full stop, homework got. No, I today, full stop, homework got. So the correct sentence is I got, 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 no, N O no, homework, H O M E W O R K, homework today. कि मुझे आज कोई भी homework नहीं मिला. T O D A Y today. I got no homework today. What is the correct sentence?
आई गॉट नो होमवर्क टुडे, ओके, आई गॉट नो होमवर्क टुडे, ओके. द फिफ्थ सेंटेंस इज, इट इज़ ऑल्सो द लास्ट वन, टेस्टेड द नाइस फुल स्टॉप वेरी केक. नाउ यू कैन नोटिस दैट द का जो फर्स्ट लेटर है यानी टी, फर्स्ट अल्फाबेट जो है इट इज़ कैपिटल. सो आर सेंटेंस विल स्टार्ट फ्रॉम द एंड विल एंड विद नाइस बिकॉज देयर इज़ फुल स्टॉप आफ्टर नाइस. नाउ टेस्टेड द नाइस वेरी केक, वट इज़ द करेक्ट वन? द केक टेस्टेड वेरी नाइस, ओके. केक, केक का जो केक बहुत मज़े का था, ओके, या उसका जो जायका था वो बहुत मज़ेदार था, ओके. द केक, टी एच ई द केक, सी ए के ई केक. द केक टेस्टेड, टी ए एस टी ई डी, द केक टेस्टेड वेरी, वी ई आर वाई, वेरी नाइस, एन आई सी ई नाइस. द केक टेस्टेड वेरी नाइस, वट इज़ द करेक्ट वन? द केक टेस्टेड वेरी नाइस, ओके. सो दीज आर आर फाइव सेंटेंसेज. इट इज़ द एंड ऑफ एक्सरसाइज सी ऑन पेज 46 रिलेटेड टू यूनिट 10, ओके. ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, नोट डाउन योर होमवर्क विद योर सेल्फ. इट्स होमवर्क टाइम. योर होमवर्क इज़ लर्न एंड प्रैक्टिस लैंग्वेज बी प्लस सी ऑन पेज 37 ऑफ यूनिट 8, पेड्रोज़ गोल्ड, ओके. यू रिमेंबर पेड्रोज़ गोल्ड में आपने पेज 37 पे जाके, टॉपिक आपका लैंग्वेज होगा, वहाँ पे जाके एक्सरसाइज बी प्लस सी का क्या है, आपने उसकी लर्निंग और प्रैक्टिस करनी है इन योर रफ कॉपीज़. वट इज़ योर होमवर्क? योर होमवर्क इज़ यू हैव टू लर्न एंड प्रैक्टिस लैंग्वेज बी प्लस सी ऑन पेज 37 ऑफ यूनिट 8. काइंडली नोट इट डाउन विद योर सेल्व्स.